नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नटिंग एंड ग्रेसन चैनल पर। आज मैं आपको ये आसन बताऊंगी। ये देखिए, मैंने इस तरीके से दो कलर यूज करी हैं। ये मैंने पुराने दुपट्टा से बनाया है, करीब एक एक इंच का ये मैंने दुपट्टा काट लिया है। ये देखिए, मैंने ये कलर यूज करें, आप अपने हिसाब से कोई सा भी कलर ले लें। ये यहाँ से मैंने ये फंदे डाले हैं, मैंने 10 फंदों से स्टार्टिंग की है। ये 10 फंदे डाल के फिर मैंने इसमें ये जाली डाला है, इसमें फंदे बढ़ाए हैं। ये मैंने 10 फंदों में 3 जाली डाली हैं। देखिए, एक और ये 3, ये 3 जाली में 6 फंदे बढ़ाए मैंने, दोनों तरफ डाले हैं। एक सीधा फंदा लिया है, उसके दोनों तरफ मैंने जाली डाली है। इसी वजह से हमारी ये कली बन गई है। हर सलाई पे सीधी तरफ 6 फंदे बढ़ते हैं, पीछे सलाई वैसे ही निकाल देते हैं। देखिए, आप इसी तरीके से फंदे बढ़ाते जाएं और सीधे जालियों पे, या आप जितना चाहें उतना बड़ा बना लें। बंद करने से पहले बढ़ाना बंद करके फिर आप बॉर्डर बना दें। ये मैंने एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर बना रही हूँ इसमें। अब पहले मैं आपको ये शुरू से बना के बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने 10 फंदे डाले हैं, उल्टी साइड से मैंने एक सलाई निकाल ली है। ये हमारी सीधी साइड रहेगी। ये आसन हमें आगे से सीधे बनाना है। सीधी सिलाई लेनी, इस तरीके से लेनी है, और पीछे से उल्टी इस तरीके से लेनी है। तो हम एक फंदा लेंगे पहले, फिर इस फंदे पे हम जाली डालेंगे दोनों तरफ, ये आगे करके। एक जाली डल गई, फिर आगे करेंगे, फिर हम दूसरी जाली डालेंगे। देखिए, हमारी ये 2 जाली डल गई हैं, इस फंदे के दोनों तरफ आ गई हैं। बीच में जाली के बाद फिर एक फंदा ये सीधा लेंगे। आप कितना भी बड़ा बनाएं, बड़ा बनता जाएगा, लेकिन पहले 10 फंदे डालें और इसी तरीके से 3 जाली डाल के फिर बनाते जाएं। एक मैंने ये सीधा ले लिया, अब मैं इस पर ये जाली डालूंगी। फिर आगे करेंगे, फिर से एक जाली डालेंगे, फिर एक फंदा हम ये सीधा लेंगे। फिर आगे करके अब मैं इस पर जाली डालूंगी, एक डल गई, फिर दूसरी भी डालेंगे। एक फंदा बचाई, इसको भी सीधा लेंगे। 10 फंदों में 6 जाली बड़ी आसानी से डल जाती हैं। एक इधर सीधा लिया था, एक इधर सीधा लिया था, बीच में 2-2 फंदे सीधे किए। पीछे से ये हमारी एक सिलाई पीछे से निकल गई है, आगे से इस तरीके से सीधा लेंगे। फिर ये फंदा हमारा जाली का बड़ा है, इसको भी सीधा लेंगे, क्योंकि हर सिलाई पे 6 फंदे बढ़ते जाएंगे 3 जालियों के। यहाँ पे जाली फिर डालेंगे। तो हमारा ये फंदा है जाली का बीच का, इसके दोनों साइड जाली आनी चाहिए। इधर भी आ गई है, फिर आगे कहेंगे, फिर इधर आ जाएगी। ये दोनों तरफ आ गई जाली। बीच में पहले मैंने एक फंदा सीधा लिया था, अब ये 3 फंदे सीधे हो गए, क्योंकि दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ गया है।
आगे करके, अब इस पे हम दोनों तरफ जाली डालेंगे। देखिए इसी तरीके से फंदे बढ़ते जाएंगे। अब हमें दूसरा कलर लगाना है। ये दो आगे से दो पीछे से शॉर्ट सलाई निकल गई है। आप चाहें कि कितनी भी दूरी पर लगा लें। मैंने जो बनाया है वो चार सलाई के बाद लगाया है। अब हमें इस तरीके से ये दूसरा लगाएंगे, उल्टी साइड से लगा लें। ये धागा यहीं पर छोड़ दें। ये देखिए पीछे से मैंने धागा लगा लिया है। आगे से हम फिर इसी तरह लेते जाएंगे। ये तीन फंदे सीधे हो गए, फिर से आगे करेंगे। इसी तरीके से आप कितना भी बड़ा बनाते जाएं इसको, और अगर फंदे ज़्यादा हो जाएं आपका आसन बड़ा बनाएं तो तीसरी सिलाई लगा लें। तीन हिस्सों में बनता जाएगा और बड़ी आसानी से ये पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से जाली डालते जाएं। ये देखिए मैं आपको इसमें बता देती हूँ, ये मैं 8-6 नंबर की सिलाई पर बना रही हूँ और ये बड़ी वाली सिलाई ली है मैंने। तो इसी तरीके से ये दोनों तरफ जाली डालते डालते बढ़ते गए 6 फंदे।
वो मैंने अब ये बॉर्डर बना दिया है। ये बॉर्डर मैंने ये एक फंदा उल्टा और एक ये सीधा, देखिए एक सीधा एक उल्टा मैंने ये चार सलाई निकालनी है, क्योंकि मैंने ये चार चार का गैप किया था, इसीलिए बॉर्डर मैंने इतना बनाया। तो इसको उल्टी साइड से बंद कर देंगे। जब आप अपना बॉर्डर बना के घटाएं तो एकदम ढीला घटाएं, ये जो साथ में ये चल रहा है इसको बिल्कुल ऐसे लूज रखें। ये देखिए ये मैंने सारे फंदे घटा दिए और आप इसी तरीके से ये यहाँ सिल जाएगा। ये हमारा ये दोनों कली मिलके एक हो गई है और एक ये इस तरीके से तीन कली में ये हमारा आसन बन के तैयार हो गया है। आप याद रखें जब घटाएं तो ये बॉर्डर बिल्कुल ढीला घटाएं एकदम, इस तरीके से हमारी सिलाई अच्छी लगेगी। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।